चंद्रयान 3 अब चांद के करीब पहुंच गया है। धरती से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी तय कर चंदा मामा के घर जाने के लिए निकला हमारा चंद्रयान अब चांद की उस अंडाकार ऑर्बिट में जो चांद की सतह से महज 174 गुना 1,437 किलोमीटर दूर है। आसान भाषा में समझे तो चांद से न्यूनतम दूरी 174 किलोमीटर और अधिकतम दूरी महज 1,437 किलोमीटर रह गई। 14 अगस्त तक चंद्रयान 3 इसी ऑर्बिट में रहेगा, इसके बाद अगली ऑर्बिट में जाएगा और 17 को ये अंतिम पड़ाव यानी उस ऑर्बिट में होगा जहां से इसकी दूरी महज 30 गुना 100 किलोमीटर रह जाएगी। इसरो के वैज्ञानिक चंद्रयान 3 की हर गतिविधि पर पूरी नजर रख रहे हैं। चंद्रयान 3 भी लगातार इसरो से बात कर रहा है और पल पल की जानकारी शेयर कर रहा है। धरती से चांद की दूरी 3,84,400 किलोमीटर है। ये समय के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आकाश के अनंत सफर पर निकले चंद्रयान 3 कैसे लाखों किलोमीटर दूर से भी लगातार इसरो पर नजर रखता है? दरअसल ये काम करता है इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क, इसे स्ट्रैक कहते हैं। ये नेटवर्क बेंगलुरु में स्थित है जिससे इसरो चंद्रयान 3 की गति, उसकी दिशा और उसकी सेहत पर नजर रखता है। सिर्फ इसरो ही चंद्रयान 3 पर नजर नहीं रख सकता, बल्कि चंद्रयान 3 जब चाहे तब इसरो से बात कर सकता है। इसका माध्यम बनता है प्रोपल्शन मॉड्यूल जो भी चंद्रयान 3 के साथ चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। 17 अगस्त को ये लैंडर और रोवर से अलग हो जाएगा। 23 अगस्त को चांद पर लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। इसके बाद रोवर इससे बाहर आकर चांद की सतह से जानकारियां जुटाकर लैंडर के माध्यम से प्रोपल्शन मॉड्यूल तक भेजेगा। प्रोपल्शन मॉड्यूल का काम चांद से जुटाई गई तस्वीरों और तथ्यों को सिग्नल के माध्यम से इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क तक भेजने का है। ब्यालालू इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क कर्नाटक के रामनगर जिले में स्थित है। ये IDSN ही चंद्रयान 3 के सिग्नलों को डिकोड करेगा। इस पूरी प्रक्रिया को ही टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क स्ट्रैक कहते हैं। यदि प्रोपल्शन मॉड्यूल किसी भी वजह से ठीक से काम नहीं कर पाया तब भी इसरो चंद्रयान 3 तक आसानी से सिग्नल भेज सकेगा। इसका माध्यम बनेगा ऑर्बिटर। ये वही ऑर्बिटर है जो चंद्रयान 2 के साथ भेजा गया था। ये ऑर्बिटर अभी भी चांद की ऑर्बिट में घूम रहा है। 2019 में चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग के समय इसे 1 साल तक काम करने के लिए भेजा गया था, लेकिन इसमें अभी इतना ईंधन बचा है कि ये 2026 तक लगातार काम कर सकता है।